नमस्कार। इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे लॉजिकल भगवद गीता की। जी हाँ, लॉजिकल भगवद गीता। भगवद गीता की टीचिंग्स को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको ये समझने की जरूरत है कि भगवद गीता का ज्ञान दिव्य है, अर्थात गीता ज्ञान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय, किसी भी युग, किसी भी परिस्थिति और किसी भी समाज में अप्लाई किया जा सकता है। भगवद गीता में टोटल 18 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है सेटिंग अप द सीन, दूसरा चैप्टर है सिनॉप्सिस, जिसमें ये बताया गया है कि भगवद गीता को पढ़ते कैसे हैं। चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 17 तक रियल गीता है और चैप्टर 18 में कंक्लूजन है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और युद्ध ना करने के वो कारण भी देते हैं। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम शुरू करते हैं, तो उस काम को शुरू करने से पहले जो नेगेटिविटी आती है, ये सिचुएशन उसे रिप्रेजेंट करती है। और इस नेगेटिविटी के वही 5 कारण हैं जो अर्जुन श्री कृष्ण को देते हैं। करुणा, भोग, नाश, भय और भ्रम। करुणा, कंपेशन। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि करुणा क्या है। जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की सहायता करते हैं या हेल्प करते हैं, तो वो कहलाती है करुणा। करुणा और दया में अंतर क्या है? जब आपसे कोई हेल्प मांगता है, तब आप उसकी मदद करते हैं, तो वो कहलाती है दया। लेकिन जब किसी की हेल्प मांगे बिना ही आप उसकी मदद करते हैं, तो वो कहलाती है करुणा। किसी गलत वे में या गलत तरीके से अगर आपके मन में करुणा आई है, तब भी आप उस काम को करने से पीछे हट जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको एक मॉल ओपन करना है, और जहाँ आपके पास मॉल ओपन करने की जगह है, वहाँ पर पहले से किसी किराने वाले की शॉप है, तो आपके मन में करुणा आती है ये सोचकर कि अगर आप मॉल ओपन करते हैं तो उस किराने वाले का धंधा चौपट हो जाएगा, और ये सोचकर इस फीलिंग के साथ में आप मॉल ओपन नहीं करते, तो ये करुणा गलत है। क्यों? क्योंकि इस करुणा से आपका विकास भी नहीं हुआ और साथ ही साथ उस दुकान वाले का विकास भी रुक गया। इसकी जगह आप इस तरीके से करुणा दिखा सकते थे कि आप मॉल ओपन करें और उस किराने वाले को आपके मॉल में फ्री में शॉप दे दें, या कुछ डिस्काउंटेड रेट में शॉप दे दें। इससे क्या होगा? आपका विकास भी हुआ और उस दुकान वाले का भी विकास हुआ। भोग। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं और वो काम लॉजिकली सही भी है, फिर भी हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मज़ा नहीं आ रहा। मैं खाना खाऊं तो मुझे मज़ा आना चाहिए, मैं ये करूं तो मुझे मज़ा आना चाहिए। इन कारणों से भी हम पीछे हट जाते हैं कुछ भी काम करने से। नाश। जब भी कोई आसक्ति या मोह हमारे मन में आ जाता है, तब भी हम कोई काम करने से पीछे हट जाते हैं। जैसे कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मैं ये जॉब करूँगा तो मुझे फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह के कई कारण होते हैं जिससे भी हम पीछे हट जाते हैं। चौथा है भय। जब कोई काम शुरू करने से पहले हमारे मन में ये बात आती है कि अगर मैं ये काम करूँगी तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, अगर मैं ये काम करूँगी तो समाज वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, जब ये भय हमारे मन में आता है, तब भी हम कोई काम करने से पीछे हट जाते हैं। पांचवा है भ्रम। जब भी हमारे मन में ये बात होती है कि मैं कोई काम करूं या ना करूं, या यहाँ जाऊं या वहाँ जाऊं, तब भी हम अपने काम करने से पीछे हट जाते हैं। देखिए, कन्फ्यूज़न और इनडिसीजन में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। कन्फ्यूज़न में ये निश्चित होता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन किस तरीके से करना है ये डिसाइड नहीं होता है। लेकिन इनडिसीजन में आप यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। अब मुख्य रूप से ये 5 कारण होते हैं जिनकी वजह से आप कोई काम नहीं कर पाते हैं या कोई नई जॉब नहीं कर पाते हैं। इन सबसे बचने के लिए या किसी भी कार्य में सक्सेस होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सॉल्यूशन बताया है। सकाम योग, निष्काम योग। सकाम योग, जब भी आप कोई काम
किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं तो उसे सकाम योग कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तो ये कहा है कि फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्थात आपको फल के बारे में तो सोचना है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। अब जैसे कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिला तो मैं ये कर लूँगा, अगर नहीं मिला तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ये नहीं सोचना है आपको। जब आप किसी काम को उसके फल के बारे में सोचकर कर रहे हैं तो उसे ही सकाम योग कहा गया है। और जब आप किसी कार्य को किए जा रहे हैं और फल की चिंता नहीं कर रहे हैं तो उसे निष्काम कर्म योग कहा गया है। इस वीडियो में हम सकाम कर्म योग के बारे में बात करेंगे। जब भी आपको किसी काम को करना है और उस काम में सक्सेस होना है तो आपको गोल बनाना है। अभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं आपको टारगेट बनाना है, एम बनाना है, तो आपको टारगेट नहीं बनाना है, एम नहीं बनाना है, आपको गोल बनाना है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? टारगेट या एम में आपको आपका काम पूरा होने से मतलब होता है, जबकि गोल में आप आपका लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दोनों डिसाइड करते हैं और इस रास्ते से मिली सफलता स्टेबल होती है। सो यू शुड डिसाइड द टारगेट एंड द पाथ बोथ, देन डेडिकेट योर सेल्फ टू द पाथ। अब आप रास्ते पर फोकस करें तो टारगेट पर अपने आप पहुंच जाएंगे। तो और इसे ही कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब कई लोग पूछते हैं कि हमें कुछ नया करना है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से लाएं? यू कांट मेक मनी। आप पैसा ना बना सकते हैं ना ला सकते हैं, आप पैसा सिर्फ कमा सकते हैं। यू कैन अर्न मनी। फिर कई लोग कहते हैं कि पैसा तो पाप है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो ये गलत है। पैसा वरदान है, इसलिए पैसा सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कमाया जा सकता है, क्योंकि वरदान मेहनत और तपस्या से मिलता है, पाप नहीं है। फिर इस पैसे का अगर कोई गलत यूज करता है या दुरुपयोग करता है तो वो गलत है, वरदान नहीं। तो आइए अब समझते हैं कि इस वरदान को प्राप्त कैसे किया जाए। पैसा या कोई भी वरदान प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। सामर्थ्य मीन्स स्किल। तो सबसे पहले आप खुद का आत्ममंथन करें और ये समझें कि आप में कौन सी स्किल और उस स्किल से रिलेटेड जॉब या बिजनेस करें। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर ये बात ध्यान रखें कि उस काम में आपकी मेहनत ज़्यादा हो और पैसा कम हो, यानी कि हार्डवर्क ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब आप इस लेवल पर आ गए हैं जहाँ आप कुछ पैसा कमाने लगे हैं, लेकिन अब आपको आपका लेवल बढ़ाना है, अब आपको और इनकम चाहिए, तो अब आपको आपकी स्किल भी बढ़ानी होगी, अब आपको आपका सामर्थ्य बढ़ाना होगा। सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा? सामर्थ्य बढ़ता है किसी की सहायता करने से। आप सबने देखा होगा कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो साल में कम से कम एक बार किसी संस्था के द्वारा या खुद से निःशुल्क शिविर लगाते हैं, जिससे कि लोगों की सहायता होती है, लोगों की मदद भी हो जाती है और उनके प्रोफेशन को प्रैक्टिस भी हो जाती है और वो नए नए लोगों से मिलते हैं जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है और ऐसे ही सामर्थ्य भी बढ़ता है। इसलिए जब भी आपको किसी की सहायता करने का मौका मिले तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, इससे आपका सामर्थ्य भी बढ़ेगा और उससे आपका प्रॉफिट भी होगा। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अगर आप आपका गोल पूरा करने से पहले ही असफल हो जाते हैं तो उसके कारण क्या है, उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।